ये जो द्वार आपने देखा ये काशी विश्वनाथ द्वार, और ये हम लोग चल रहे हैं 302 रूम नंबर आप देख रहे हैं, और ये एक रूम है डबल ऑक्यूपेंसी। आसान भाषा में बोलूं तो दो लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं एसी लगा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और ये भी डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोग यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं, और वैसा ही रूम है लेकिन रूम का साइज़ थोड़ा बिगर है। अब चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ। 3-बेडेड रूम है, एक डबल बेड का बेड है और एक सिंगल बेड का बेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये दो लोगों के स्टे के लिए है और वो सिंगल स्टे के लिए है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। फिर इधर 306 डबल ऑक्यूपेंसी, दो लोग स्टे यहाँ पर कर सकते हैं। उधर आए आप ये भी देख सकते हैं, ये भी आपको साफ़ सुथरा वैसे ही देखने को मिलता है। और अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। इतने कम बजट में, इतने कम प्राइस में आपको रूम मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, क्योंकि आपको सारी सुविधाएँ मिलती हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब मैंने किसी भी तरीके से इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन टेबल के नीचे से कुछ भी कोई पैसा नहीं लिया है। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। ये जो द्वार आपने देखा ये काशी विश्वनाथ द्वार, और ऊपर जो महाराज जी विराजमान है वो है आदिगुरु शंकराचार्य जी। ये परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही गली है विश्वनाथ गली कहलाती है। क्यों इसके विश्वनाथ गली कहलाती है? क्योंकि अंदर ही काशी विश्वनाथ जी विराजमान है। दो रास्ता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। सीधा जाएंगे तो भी काशी विश्वनाथ ढूंढीराज जो जोड़ता है वहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से पहला राइट टर्न लेंगे तो भी काशी विश्वनाथ पहुँचेंगे। राइट टर्न लेने पर आपको बीच में विशालाक्षी के भी दर्शन होंगे, और काशी विश्वनाथ के पास ही माता अन्नपूर्णा है। और ये जो रोड जा रही है ये है रोड दशाश्वमेध मार्ग। दशाश्वमेध यानी कि जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध आरती होती है, शाम की आरती प्रसिद्ध आरती होती है। इतना परिचय इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये पूरा रोड, ये जो रोड है ये है गदोलिया रोड, गदोलिया क्रॉसिंग बस ये ले जाता है जहाँ पर का जो कि नंदी चौक भी आजकल कहलाता है, जो कि काशी का दिल कहलाता है। ये ऑन द रोड आपने देख लिया, चलता फिरता रोड है। यही बाजार है जो विश्व प्रसिद्ध, काशी का विश्व प्रसिद्ध बाजार है। यहीं पर आप देख सकते हैं सब तरीके की शॉपिंग हो रही है। आप इधर देखिए चूड़ी बिंदी, और उधर साड़ी की दुकानें हैं आप देख सकते हैं, इधर बनारसी साड़ी की दुकानें हैं। आप ये सब इधर दुकानें देखिए, इधर साड़ी की दुकानें हैं। और अंदर विश्वनाथ गली है जो कि वो भी एक बाजार है। गली गली पत्ती काशी गलियों का शहर है, तो आप उधर भी बाजार है, उधर भी आपको खाने पीने के सामान के साथ साथ अंदर बहुत ही फेमस इडली शॉप वगैरह ये सब, और साड़ी बनारसी साड़ी और सब या पूजा पाठ का सामान वो सब आपको अंदर उपलब्ध होता है। ये आपको बता ही दिया मैं, तो ये इतना परिचय दिया। अब यहाँ पर लोग मुझसे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे एकदम काशी विश्वनाथ गेट के पास एकदम स्टे करने के लिए होटल बताइए, रूम बताइए जो बजट में भी हो और अच्छा भी हो। तो बजट और अच्छा दोनों, चीप और बेस्ट मैं ला रहा हूँ। 1200-1300 में आपको एक बढ़िया रूम आपको मिल जाता है। इससे पहले भी मैंने इस लोकेशन के आसपास, आप ये देख सकते हैं इधर थंबनेल्स के पाते हुए दिख रहे हैं, ये इससे पहले भी इन सब होटलों पर रूम्स मैंने बनाए हैं। अपने सुविधा अनुसार, अपने बजट अनुसार आप इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। इन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उनको जाके चेक कर लीजिएगा। ये भी आपके बजट में आ सकते हैं, और लग्जरी भी हैं, हाई क्लास भी हैं, मिड क्लास भी हैं, और धर्मशाला भी। ये इधर हम लोग आ चुके हैं, ये रिसेप्शन काउंटर है इनका, और हम लोग रूम्स की तरफ चलते हैं। चलिए अब रूम्स की तरफ चलते हैं। इधर इनके लाइन से रूम से आप देख सकते हैं, और इधर लिफ्ट। तो चलिए अब रूम्स की तरफ हम चलते हैं, और इधर आप देख सकते हैं इस फ्लोर से ही आपको लिफ्ट देखने को मिलती है, तो लिफ्ट सुविधा भी है आपके पास। और इधर आपने देखा ये लिफ्ट है, और इधर रूम्स है, लाइन से रूम से इधर भी आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं 302 रूम नंबर आप देख रहे हैं, और ये एक रूम है डबल ऑक्यूपेंसी। आसान भाषा में बोलूं तो दो लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं एसी लगा हुआ है, वेल डेकोरेट है, आप देख सकते हैं आर्टिफैक्ट दिखाए गए हैं, अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है, और फैन है ही, और इधर टीवी भी लगी हुई है, बिग स्क्रीन टीवी लगी हुई है। इधर एक छोटा सा बैठने के लिए टेबल है, मेज है, और एक इधर मिरर है, और आप इधर मिरर देखते हैं, और इधर अलमीरा है। देखिए वेल फिनिश फर्निश्ड है, साफ़ सुथरा मतलब है, अलमीरा भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर स्पेस है, अपना सामान वगैरह आप रख सकते हैं। और इधर वॉशरूम है, आप इधर ही देख सकते हैं वॉशरूम। हालांकि वॉशरूम दिखाने की चीज़ नहीं होती है, लेकिन बस इसलिए दिखाता हूँ कि देखिए कितना साफ़ सुथरा है। आप क्या समझते हैं वॉशरूम को देखकर, और क्या फैसिलिटी है, जैसे कि आपने देखा शॉवर है, गीजर है, ये सब भी आपको मिलता है। और कभी कभी
ऐसे तो 2% रहने के लिए अलाउ है, लेकिन कभी कभी 3% भी अलाउ कर दिया जाता है जब कोई साथ में आ रहा हो। अभी यहाँ के एक मैनेजर साहब हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा। सर मेरा नाम सुनील कुमार त्रिपाठी है। विद इन 7 ईयर्स से मैं यहाँ कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ और 7 साल से ही ये होटल ओपन है। अभी जिस रूम में आप खड़े हैं ये 302 नंबर कमरा है, डबल ऑक्यूपेंसी के साथ आता है ये, विथ AC के साथ ये 1750 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST है। इसके साथ आपको साथ में अटैच बाथ मिलता है विद गीजर के साथ, फ्लैट TV स्क्रीन लगी हुई है, सेटेलाइट चैनल्स मिलते हैं आपको, इंटरकॉम मिलेगा, साइड टेबल है और एक बेड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए छोटा चेयर दी गई है विथ अलमीरा के साथ में। इसके अलावा और भी रूम सेम साइज़ के होते हैं, प्राइस विल भी सेम, सारे रूम का एक ही तरह का रेट है, टेक्सचर और साइज़ थोड़ा डिफर होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के रूम हैं, ट्रिपल बेडरूम है, जिनका भी प्राइस करीब करीब आपका 2500 रुपये इंक्लूडिंग GST होता है और ये 1 ईयर फिक्स टैरिफ होता है, फ्लक्चुएशन नहीं है हमारे होटल में। इसलिए जब कभी भी आप विजिट करते हैं वाराणसी पे तो Gate No. 1 के पास ये नियरेस्ट होटल है आपका, जो सभी सुविधाओं के साथ युक्त है। अच्छा, तो क्या चार्ज आपने बताया इसका? ये 1750 इंक्लूडिंग GST है। इंक्लूडिंग GST है जी, मतलब दो लोग फास्ट इंक्लूड नहीं है इसमें, कुछ भी कम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है आपको। एकदम इनके बाद एकदम फैक्ट टू फैक्ट सटीक सटीक बता रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई 3-5 नहीं है बनारस में, कभी कभी 3-5 भी होता है, बनारस का ठग भी बहुत फेमस होते हैं। Absolutely, absolutely. लेकिन ये पंडित जी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई ठगने वाली बात नहीं कही, एकदम फैक्ट वाली बात बताई। और दो लोग तो आ सकते हैं एडल्ट में, कभी कभी ऐसा इन्होंने बताया कि मैनेज करने के लिए कि चलिए अब 3 लोग आ गए हैं तो 3 लोग भी मैनेज हो सकते हैं, लेकिन 3 लोग के लिए अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आ जाएंगे तो मैनेज करा देंगे, बाकी छोटे बच्चे भले आ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट रूम की तरफ चलने से मैं यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लग रही हो तभी, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा ये रूम का आपको कैसा लगा, आप बताइएगा, अपना शेयर कीजिएगा। मेरा काम तो यहाँ तक था दिखाना, फैसिलिटी मिल बताना, और साथ में रेट बताना और लोकेशन बताना, वो मैंने कंप्लीट किया। अब आप बताइए कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा जो भी लोग काशी विश्वनाथ माता गंगा की आरती, विशालाक्षी और अन्नपूर्णा के दर्शन करने को आ रहे हैं। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और एक और रूम की तरफ हम लोग आए हैं। रूम नंबर आप पढ़ सकते हैं 308। ये भी डबल ऑक्यूपेंसी, यानी 2 लोग यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं, और वैसा ही रूम है लेकिन रूम का साइज़ थोड़ा बिगर है, और आप देख सकते हैं कि चीज़ें वैसे ही आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर TV आपको देखने को मिलता है, बिग स्क्रीन, और इधर अटैच बाथरूम है वो भी दिखा दूंगा, और इधर देख सकते हैं आप AC आपको दिख रहा है सामने, और इधर फिर से वही अलमीरा है, सामान वगैरह आप रख सकते हैं, और प्रॉपर स्पेस है, अलमीरा नाम की नहीं है, प्रॉपर आप देखेंगे तो स्पेस है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इसमें दिया गया है, तो प्रॉपर स्पेस वाला है ये भी, और छोटा टेबल है आप देख सकते हैं, टी केटल्स वगैरह नॉर्मल चीज़ें हैं। और उधर आप वॉशरूम देख लीजिए, वॉशरूम फिर से वही बात है कि दिखाने की चीज़ नहीं होती है, लेकिन दिखाया बस इसलिए जाता है कि आप देखिए कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि आप जब आप बाहर से आते हैं तो वैसे भी आप देख लीजिए ये स्पेस ठीक ठाक है, और गीजर वगैरह लगा हुआ है, वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह लगा हुआ है, तो आप जब बाहर से आते हैं तो पानी चेंज होता है, और उसके साथ ही साथ जब पानी चेंज होता है और होटल में आप जहाँ स्टे करते हैं वहाँ टॉवल और ये सब चीज़ें साफ़ ना हो, अनहाइजीन हो, तो भी बीमार पड़ने के चांसेस दुगने हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पानी चेंज होता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है, देखने में साफ़ सुथरा लग रहा है। अब आप खुद भी स्टे करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में। फिलहाल मेरे हिसाब से तो फर्स्ट साइट अच्छा लग रहा है, प्रथम दृष्टया। अब फिर से मैं जानना चाहूँगा इसका वही रेट है? जी सर, इसका भी 1750 इंक्लूडिंग GST रेट है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है इसमें, ऑन डिमांड हम देते हैं ब्रेकफास्ट अगर आपको ज़रूरत हो, जैसे अगर सुबह आप नहीं निकलना चाहते हैं तो। और उसके अलावा इस रूम में आपको देखें जैसा कि AC के साथ है, टाइल्स मार्बल आपको लगा हुआ है, एक 42 इंच की TV आपको साथ में मिलती है, इंटरकॉम है, उसके अलावा 24 आवर आपका चेकिंग और चेकआउट की सुविधा भी मिलती है इस होटल में। 24 आवर? जी सर। अच्छा, ये अच्छी चीज़ लगी 24 चेकिंग चेकआउट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक देखिए 24 आवर का मतलब दो तरीके से लोग निकालते हैं, एक तो वो सोचते हैं कि जैसे वो 9 बजे रात में अगर आ रहे हैं तो सोचते हैं कि अगले दिन 9 बजे रात में उनको चेकआउट करना है, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि UP टूरिज्म का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेट 10 या 11 बजे तक चेकआउट कराना होता है दिन में, सुबह। जी, सुबह में। तो इसलिए 24 आवर चेकिंग चेकआउट का मतलब ये होता है कि आप कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 11 बजे के बाद गेट बंद है और आप चेकिंग नहीं कर सकते, या आपने बुकिंग कराई, आपकी ट्रेन लेट है तो आप रात में आ नहीं सकते, ये सुविधा नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको किसी भी टाइम चेकिंग के लिए हम अलाउ करते हैं, लेकिन चेकआउट जो हमारा होता है वो 12 नून ही होता है, जब भी आप आएंगे तो 12 नून ही होगा, जितने भी रजिस्टर्ड होटल होते हैं उन सबका चेकआउट जो होता है वो 10 से 12 के बीच में होता है। मैंने इसलिए मैंने क्लियर करना चाहा, मुझे तो पता था, मैंने चाहा कि इनके मुँह के थ्रू आपको समझ में आएगी क्या है, और वेल फिनिश फर्निश्ड है, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें अच्छी की गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, फिर वही बात है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तभी लाइक कीजिएगा,
कमेंट में नाइस वीडियो लिख सकते हैं अगर पसंद आ रहा हो, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जो कि मेरा फेवरेट है, और शेयर कीजिएगा जो भी लोग काशी विश्वनाथ गंगा आरती देखना आना चाह रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ। और फिर एक नेक्स्ट रूम की तरफ हम लोग आएँ, 307 थ्री बेडेड रूम है। एक डबल बेड का बेड है और एक सिंगल बेड का बेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये दो लोगों के स्टे के लिए है और वो सिंगल स्टे के लिए है। और साथ में आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हर में मिलती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाता है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है। यहाँ दो चेयर्स लगी हैं, एक टेबल लगा हुआ है, और अलमीरा है आपके पास जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। एक बार फिर से दिखा दूँ कि ये अलमीरा प्रॉपर स्पेसियस है, प्रॉपर स्पेस है इसके अंदर, आप सामान वगैरह इसमें आराम से रख सकते हैं, क्योंकि अब तीन लोग आते हैं तो सामान भी बढ़ जाता है और स्पेस भी ठीक ठाक है ये। और ये जो है कि एसी, इसमें आप देख सकते हैं इधर बड़ी सी एसी ये लगी हुई है सामने की तरफ, और इधर मिरर है, और इधर आप देख सकते हैं वॉशरूम भी ठीक ठाक है, अच्छा है। आप देख सकते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से क्या प्राइस है, वो भी हम जानेंगे अभी यहाँ के मैनेजर साहब द्वारा। तो एक बार फिर से मैनेजर साहब की ज़रूरत पड़ रही मुझे, आप बताइएगा कि इस रूम का प्राइस क्या है। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम या ट्रिपल बेडरूम या फैमिली रूम इसको बोला जाता है, जिसका रेट जो है 2500 इंक्लूडिंग GST है। ईच एंड एवरी सीजन में ये रेट आपको सेम ही मिलेगा। सेम ही जी, इसमें तीन से चार लोग रह सकते हैं आराम से। कभी कभी ऐसा होता है कि चार बड़े या एक बच्चा है तो वो भी हम अलाउ करते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा पर्सन चार्ज हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा बेड या एक्स्ट्रा मैट्रेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए किसी से भी एक्स्ट्रा पर्सन चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। सिर्फ 2500 में ही आपको ये रूम प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें भी ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड नहीं है, सिर्फ GST इंक्लूड है। टॉवल और सोप वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है जी, टॉवल सोप आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत अच्छी बात इनकी ये लगी, अक्सर हमने बहुत सारे होटल्स हम लोग बनाते रहते हैं, आपने देखा है लग्जरी होटल, थ्री स्टार होटल्स तक हम लोगों ने बनाए हैं, तो उसमें जे भी जब भी कोई एक्स्ट्रा पर्सन बढ़ता है तो उस नाम पर चार्ज हमेशा लिया जाता है, चाहे एक्स्ट्रा मैट्रेस के नाम पर चार्ज लिया जाए, चाहे एक्स्ट्रा कॉट के नाम पर चार्ज लिया जाए। तो यहाँ इन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं किया है कि फाउंडेशन में बांध के रखा हो, अगर दो पर्सन वाला है तो उसमें 3% भी अलाउ कर देते हैं, और अगर तीन वाला है तो उसमें 4% अलाउ हो जाता है। तो इस प्राइस रेंज में आप इससे नियरेस्ट गेट नंबर एक, आपको मैंने आपको बाहर दिखाई है, ये इससे नियरेस्ट मिलना नामुमकिन सा है, क्योंकि आसपास मार्केट है, शॉप्स हैं, कटरा है, ये आपको पहला होटल सामने जस्ट आपको मिल जाता है, इतना नियरेस्ट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। फिर वही बात है कि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अगर कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नाइस वीडियो लिखकर हर हर महादेव लिखिएगा और शेयर कीजिएगा जो भी लोग काशी विश्वनाथ की तरफ आ रहा। और वो रूम आपने देखा थ्री बेडेड वाला, एक हम लोग फिर इधर 306 डबल ऑक्यूपेंसी, दो लोग स्टे यहाँ पर कर सकते हैं। उधर आए आप ये भी देख सकते हैं, ये भी आपको साफ़ सुथरा वैसे ही देखने को मिलता है, और सजावट की जो भी चीज़ें हैं, डेकोरेशन है, वो किया गया है, आप देख सकते हैं, और TV वगैरह ये सब चीज़ें वहीं हैं। और आपसे फिर एक बार मैं पूछना चाहूँगा, आप इधर आइएगा जी सर, इसका क्या रेट है? ये 1750 है इंक्लूडिंग GST, इसमें भी ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, टॉवल सोप इसमें भी आपको मिलता है। इसमें विद विंडो के साथ ये रूम आता है, क्योंकि ये गली के अंदर 50 मीटर सिचुएटेड है होटल, तो इसमें सारे रूम्स में विंडो प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने कुछ सेलेक्टेड रूम रखे हैं जिनमें हम विंडो प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा फ्रंट फेसिंग रूम है। अच्छा, यही क्या नॉन AC भी हो जाता है? सर, एक्चुअली क्या है कि नवंबर तक तो हम लोगों के पास AC की ऑक्यूपेंसी रहती है, नवंबर के बाद जब दिसंबर शुरू होता है तो उस टाइम विंटर सीजन वाराणसी में स्टार्ट हो जाता है, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि जो रेट है हमारा उस पर 500 रुपीज लेस हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे AC नहीं चलता है। नहीं, लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ब्लोअर की जरूरत होती है या हीटर की जरूरत होती है AC की जगह पे, तो हम लोग उसी चार्ज में, जैसे 2500 में ट्रिपल बेड है, 1750 में आपका डबल बेड है, तो उसी चार्ज में हम उनको ब्लोअर या हीटर प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़ ये देखिए, या सफोकेशन ना हो इसलिए विंडो दिखा दो, ये विंडो व्यू है इनका, सफोकेट ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि आप सर्दी में आते हैं तो कभी कभी सफोकेशन भी भारी पंजा महसूस होने लगता है, और गर्मी में आएंगे तो AC है ही, आपको सफोकेशन ऐसा कुछ नहीं महसूस होगा। क्या एक्स्ट्रा नॉन AC रूम भी है आपके पास? जी सर, नॉन AC रूम भी है, लेकिन रूम का टेक्सचर सेम ही होगा, साइज सेम ही होगा, सिर्फ AC नहीं होगा उसमें, जिससे 500 का डिफरेंस आता है, जो अभी मैंने पहले भी आपको बताया। अच्छा, 500 का ही डिफरेंस? जी जी, 1250 में वो नॉन AC रूम होगा, सेम रूम होगा, जैसा 302 आपने देखा, सेम उसी तरह 102 नंबर है, वो नॉन AC रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको नॉन AC रूम मिल जाते हैं। हम लोग क्या उधर चलने वाले हैं अभी? जी जी, एक या दो रूम है वहाँ पे दिखा सकता हूँ, बाकी रूम 1250 लगे हुए। जी जी, तो अब वेट कीजिएगा, 1250 में भी आपको ऐसे प्राइम लोकेशन पर रूम देखने को मिल रहा है, वो भी रूम, ये कोई डॉर्मेट्री नहीं मिल रही है आपको, रूम देखने को मिल रहा, प्रॉपर रूम, अटैच्ड बाथरूम है वो भी। जी जी जी, अटैच्ड गीजर के साथ मिलेगा, विद गीजर के साथ। ये मैं अपने YouTube के करियर में जितने भी होटल्स दिखाए हैं, मैं सच बता रहा हूँ,
कोई ऐसे कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड तो है नहीं, मैंने इनसे किसी भी तरह कोई पैसा नहीं लिया है, लेकिन इतने सस्ते में अटैच्ड बाथरूम और गीजर मिलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा है 1250 में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और अटैच्ड बाथरूम आप इसमें भी देख लीजिए एक छोटा सा लुक, तो आपको सब दिखा देता हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको समझ में आए कैसा है। और जैसा भी लग रहा हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने से बाद वजह ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक कर क्यों रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूम, और इधर आप देख रहे हैं लाइन से रूम्स ही रूम्स हैं, और इधर स्टेयर है, उधर लिफ्ट है, और इधर भी एक रूम है, रूम नंबर 102 नॉन ए सी रूम है। तो आप देख सकते हैं नॉन ए सी तो है, लेकिन जो साइज़ है बेड का, जो रूम का साइज़ है, वो वैसा ही है जैसा कि एसी वाला डबल ऑक्यूपेंसी में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कर्टेन वगैरह लगे हैं, ऐसा कोई डेकोरेशन में किसी चीज़ में कोई पार्शियलिटी नहीं की गई कि इसको छोटा कर दिया गया नॉन एसी है तो, या गरीब टाइप का बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी वगैरह आप लगी हुई है, और इधर वॉशरूम आप देख सकते हैं, इधर वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं वॉशरूम। फिर से वही बात है कि वॉशरूम दिखाने की चीज़ नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि आप अच्छा। और एक चीज़ ये भी खास बात है कि नॉन एसी होने के साथ साथ इसमें इस वॉशरूम में आपको जो गीजर दिख रहा है वो उसी प्राइस रेंज में अटैच्ड है। आप देख सकते हैं जो भी गीजर दिख रहा है वो उसी प्राइस रेंज में अटैच्ड है। तो अब उनको फिर से मैनेजर साहब की आवश्यकता पड़ती है कि आप बताइए इस प्राइस का, इसका क्या प्राइस है। अभी जिस रूम में आप खड़े हैं ये 102 रूम नंबर है, डबल बेड नॉन एसी रूम है, और ये 1250 इंक्लूडिंग जीएसटी है। इसके साथ आपको अटैच बाथ विद सेम कुछ सब कुछ आपको वैसा ही मिलता है जैसे एसी रूम में मिलता है, विद गीजर के साथ ये रूम आता है आपका। और आप चाहें तो इसको चेंज करा के एसी में कन्वर्ट करना चाहें तो सिर्फ 500 रुपीस का डिफरेंस होता है, रूम सेम ही मिलता है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसी रूम है तो बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर नॉन एसी है तो इसको छोटा कर दिया जाए। बेड का साइज़ भी हमारे सारे रूम में सेम है, 6x6 का ही बेड लगा हुआ है, डुअल बेड है ये आपका, 3x6 का। तो आप चाहें तो नॉन एसी में भी कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं, और ये सारे नॉन एसी रूम जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको गर्मी के दिनों में कम से कम हीट लगे। बहुत खास बात आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले भी बोला है फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे प्राइस रेंज में गीजर सुविधा मिलना, अटैच्ड बाथरूम मिलना और वेल फिनिश्ड फर्निश्ड मिलना असंभव सा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको इस प्राइम लोकेशन पर कुछ इस तरह से मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं वहाँ का वीडियो बनाने जाऊँगा। नहीं मिल सकता है क्योंकि मैंने लगभग 20-25 से ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं। और अच्छा होटल भी है, हाँ धर्मशाला आपको मिल सकता है, लॉज मिल सकता है, गेस्ट हाउस मिल सकता है, लेकिन जो कहते हैं होटल वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसी का एक और रूम भी, वो भी दिखा दूंगा आपको। और वाईफाई आप देख सकते हैं, वाईफाई का पासवर्ड लिखा हुआ है, खैर उतनी दूर से पकड़ेगा तो है नहीं, लेकिन आपको दिखा दिए कि वाईफाई सुविधा भी आपको मिलती है, चेकआउट टाइम लिखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और सच में आप बताइएगा ये प्राइस रेंज और ये रूम, मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैंने बहुत सारे होटल्स के बनाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने कम में ये सारी सुविधाएं मिल पाना मुश्किल है। रूम्स मिल जाएगा तो अटैच बाथरूम नहीं होगा, अगर रूम मिल गया तो आपको फिर गीजर नहीं मिलेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर रहेगा, और इतना पास तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और फिर वही बात है, नेक्स्ट रूम में चलने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, और कुछ बताना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और शेयर कीजिएगा जो भी लोग काशी विश्वनाथ दर्शन को आए। बजट 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 लोग बहुत पूछते हैं, बजट में रूम बताइए, और वो भी कपल रूम बताइए कि जो दो लोग आके स्टे कर सकें। आप देख सकते हैं 106 एक और रूम आपको दिखा रहा हूँ, इतने कम बजट में इतने कम प्राइस में आपको रूम मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। और आप देख सकते हैं बेड एकदम साफ़ सुथरा है, और उधर आपको विंडो व्यू भी दिखने को मिलता है, विंडो है मतलब सफोकेट ना हो, नॉन एसी है इसलिए विंडो ज़रूर रख दिया गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फ़ैन लगाई हुआ है, टीवी लगी हुई है। एक बहुत खास बात है कि इनके नॉन एसी और एसी रूम में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, इसी में बस आप 500 और ज़्यादा देते हैं तो आपको 1750 में एसी मिल जाता है। अभी मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि क्या रेट है इसका। सर ये भी डबल ऑक्यूपेंसी का डबल बेडरूम है जिसका रेट 1250 इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसमें भी आपका कुछ भी इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा मैट्रेस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप दो आदमी या दो से तीन हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चे के साथ इसमें स्टे कर सकते हैं। सफोकेशन ना हो इसके लिए एक विंडो मिलती है इसको, कुछ रूम्स में हमारे विंडो हैं कुछ रूम्स में विंडो नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो भी रूम है उसमें अधिकतर रूम एसी रूम्स है। एसी रूम्स है। टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं आपके? टोटल नंबर ऑफ रूम 25 है, जिसमें 5 नॉन एसी डबल बेड आपको मिलेंगे, बाकी सारे एसी रूम्स हैं हमारे। 20 रूम्स में से आपको 11 डबल बेड मिलेंगे और 9 ट्रिपल बेडरूम मिलेंगे।
साथ है। अच्छा, तो और हाँ एक ये भी है कि मेरे चैनल का नाम लेकर अगर कोई आता है तो कुछ डिस्काउंट जरूर ये देंगे, हालांकि इनका टैरिफ फिक्स रहता है, मतलब इनका जो रेट है वो फिक्स रहता है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए इन्होंने ये सुविधा। देखा रूम्स तो सारे मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर, बजट से लेकर अच्छे क्लास तक के रूम्स दिखाए और बजट भी अच्छा ही मुझे लगा। सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल कंटेंट बनाता हूँ, जैसा कि आप लोग डिमांड्स करते रहते हैं और आप लोग पूछते रहते हैं कि बजट में बताइए, काशी विश्वनाथ द्वार के पास बताइए, तो मैंने आपको दिखाया, चलते हुए दिखाया कि द्वार से कितना पास है। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं, अच्छा लगा हो तो बताइएगा रूम्स कैसे लगे आपको, कौन सा रूम सबसे बेस्ट लगा आपको, कम प्राइस में वाला कौन सा सबसे बेस्ट लगा तो वो भी बताइएगा, और शेयर कीजिएगा जो भी लोग काशी विश्वनाथ काशी अन्नपूर्णा विशालाक्षी दर्शन को आ रहे हो, क्योंकि यहीं पर काशी विश्वनाथ के पास अन्नपूर्णा विशालाक्षी भी है और साथ में थोड़ा ही 2 किलोमीटर की ऑलमोस्ट दूरी पर आपको काल भैरव के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वीडियो को एंड करते हैं और फिर से वही बात है, हाँ फिर से एक भैया कि थोड़ा डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा, जो इनके टैरिफ प्लान है ये किसी को देते नहीं है, जो फिक्स इनका रेट है वही फिक्स रहता है, कभी भी नहीं देते हैं, बल्कि आप एक रूम से 2 रूम भी लेंगे तब भी नहीं लेंगे देंगे, लेकिन देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बनारस रचित ब्लॉग्स के व्यूवर्स हैं, तो आप जरूर नाम लेकर यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं, आइए और इनके होटल्स का आनंद लेकर जाइए। मेरा काम यहाँ समाप्त होता है, मैंने आपको यहाँ पर मिलने वाले रूम्स दिखाए, चार्ज बताए, फैसिलिटी बताई, अब आप आइए, आप खुद रहिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं और कमेंट में हर हर महादेव महादेव।